नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो हर कोई जानना चाहता है मगर किसी को पता नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपको वहां ले जाऊंगा जहां कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको कोका कोला की सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, जनरली होता क्या है कि कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति जब कोई नई चीज खोजता है तो उसका पेटेंट कराता है ताकि उसकी खोज का, उसकी टेक्नोलॉजी का कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग ना कर पाए। परंतु 8 मई 1886 के दिन कोका कोला की सिरप जो है उसकी खोज की थी डॉक्टर जॉन एस पेम्बर्टन। डॉक्टर जॉन एस पेम्बर्टन ने खोज की मगर उन्होंने उसका पेटेंट नहीं लिया। मगर समय बीतने पर सिद्ध हुआ कि एक सही निर्णय था। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने इस फॉर्मूला का पेटेंट लिया होता तो स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति ने उस पेटेंट ऑफिसर को रिश्वत देकर के फॉर्मूला खरीद सकता था। यह पूरी तरह से संभव था, इसलिए उन्होंने कोई पेटेंट लिया नहीं। दोस्तों, जनरली क्या है कि कोका कोला के बनाने में जो चीजों का उपयोग होता है उसमें से बहुत सी चीजें तो अब सीक्रेट नहीं है। जैसे कि इसमें कैफीन होता है, कोकेन नामक जो पदार्थ होता है जो कोको के पौधे के पत्ते में से मिलता है उसकी फ्लेवर होती है, नींबू लेमन की जो छाल होती है उसका उपयोग होता है, हरे धनिए का उपयोग होता है, जायफल का अर्क होता है और शक्कर की चाशनी होती है। और इसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण होता है तब जाके हमारा ये ड्रिंक बनता है। तो बहुत सी चीजें तो लोगों को आज मालूम पड़ गई है। तो दोस्तों, शुरुआत में ये जो फॉर्मूला था दो ही व्यक्तियों को मालूम था, पेम्बर्टन और उनके पार्टनर फ्रैंक रॉबिन्सन। लेकिन इन दोनों की मृत्यु हो गई 1947 में। उसके बाद ये फॉर्मूला आज सिर्फ दो ही व्यक्तियों को मालूम है, दो रसायन शास्त्री हैं जिनके नाम आते हैं डॉक्टर विलियम हीथ और बर्ट वेल्स। ये दोनों व्यक्ति ही जानते हैं कि उसका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, मैंने आपको उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में तो मैंने बता दिया, पर ये इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में डालना है ये अभी तक सीक्रेट बना हुआ है। तो ये जो दो रसायन शास्त्री हैं इनकी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों व्यक्ति कभी भी एक साथ एक मोटर या विमान में यात्रा नहीं करते, ये बॉडीगार्ड्स के बिना कहीं पर जाते नहीं है। दोस्तों, इन्होंने आज तक फॉर्मूला कभी भी कहीं भी किसी भी कागज पर नहीं लिखा है। कहा जाता है कि कोका कोला का जो अर्क है सिरप बनाने में लगभग पदार्थ लोगों को मालूम है, लेकिन इसमें एक अलग केमिकल आता है जिसका नाम है 7X। इस 7X के बारे में किसी को मालूम नहीं है। वही केमिकल है जो कोका कोला को कोका कोला बनाता है। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है बाल्टीमोर, वहां पे इस कंपनी का एक सीक्रेट तहखाना है, स्ट्रांग रूम है जो फौलादी दरवाजों से बंद होता है। उसमें जाकर के ये दोनों जो रसायन शास्त्री हैं ये अब एक द्रव्य तैयार करते हैं जिसमें कोला, जायफल, तेजपत्ता ये सब का अर्क मिलाया जाता है। ये चीजें मिलाई जाती है दोस्तों, कोला, जायफल और तेजपत्ता, मगर इसकी क्वांटिटी कितनी है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो ये अर्क बनाने के बाद जब उनको हम लिक्विड में मिलाते हैं तब जाके कोका कोला तैयार होता है और द रियल थिंग बनता है। दोस्तों, ये थी कोका कोला की रेसिपी। आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप भी सफलता परिवार के सदस्य बन जाए। धन्यवाद। नमस्कार।